भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को अचानक सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ गई। जी हां, कार्तिक ने कहा, भाई लोग बड़ी गलती हो गई। आपको बता दें, पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से जुड़े एक मामले पर कार्तिक को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। कार्तिक ने माफी मांगने के बाद कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ। तो आखिर कार्तिक ने ऐसी क्या गलती कर दी, आइए जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कार्तिक ने भारत की ऑल टाइम 11 टीम चुनी थी, जिसमें धोनी का नाम नहीं था। कार्तिक ने कहा है कि वो धोनी का नाम भूल गए थे और अब उन्होंने इसे बहुत बड़ी गलती बताया है। कार्तिक ने कहा कि ये बहुत खराब बात है कि उन्होंने अपनी टीम में कोई विकेट कीपर नहीं चुना था, वो भी तब जब वो खुद एक विकेट कीपर है। कार्तिक ने अपनी गलती सुधारी है और कहा है कि धोनी वो खिलाड़ी हैं जो सभी फॉर्मेट में टीम का हिस्सा रहेंगे। कार्तिक ने क्रिकबस पर बात करते हुए कहा, भाई लोग बड़ी गलती हो गई, सच में ये गलती थी। मुझे तब पता चला जब एपिसोड सामने आया। जब मैंने 11 खिलाड़ी चुने थे तो काफी कुछ दिमाग में चल रहा था और ऐसे में मैं विकेट कीपर को भूल गया था। राहुल द्रविड़ का नाम टीम में था तो सभी ने सोचा कि मैं पार्ट टाइम विकेट कीपर चुन रहा हूँ, लेकिन सच में राहुल द्रविड़ को मैंने विकेट कीपर के तौर पर नहीं चुना था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं एक विकेट कीपर होकर विकेट कीपर को नहीं चुनूंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। कार्तिक ने कहा कि वो धोनी को नंबर 7 पर चुनते हैं, उन्होंने धोनी को महान खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा, मैं साफ कर दूं, थाला धोनी किसी भी फॉर्मेट में टीम में होना पक्का है, सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है कि वो इस खेल के महान खिलाड़ियों में शुमार है। अगर मैं दोबारा टीम चुन सकता हूं तो थाला धोनी नंबर 7 पर होंगे और वो टीम के कप्तान होंगे। वहीं आपको बता दें, धोनी के बगैर कैसी थी दिनेश कार्तिक की प्लेइंग 11। इसमें वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्र अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान और 12वें खिलाड़ी के तौर पर हरभजन सिंह का नाम शामिल था। लेकिन इस लिस्ट में एमएस धोनी का नाम शुमार नहीं था। आपको बताते चले, अपनी ड्रीम 11 टीम का ऐलान करते हुए दिनेश कार्तिक केवल एमएस धोनी ही नहीं बल्कि कई और दिग्गजों के नाम भी भूल गए थे। इसमें सौरभ गांगुली से लेकर वर्ल्ड कप 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव का भी नाम नदारद था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।